अब यहां पर देखो कि ये वाला भी अंडरकट है यहां पर, और ये वाला भी अंडरकट है ना, दोनों अंडरकट इधर भी है, तो इसके लिए भी तो आपको लिफ्टर बनाना पड़ेगा। इसके लिए लिफ्टर जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, दूसरी डायरेक्शन से रहेगा इसके लिए लिफ्टर। तो यहां पर जब मैं इसका मूवमेंट कराऊंगा तो इसका जो मूवमेंट होगा ना वो इससे ज्यादा होना चाहिए, ये वाला जो डिस्टेंस होना चाहिए ना एक लिफ्टर और दूसरे लिफ्टर के बीच में, ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहां पर अगर मान के चलो 3 mm का अंडरकट है हमारा, प्लस मैं 2 mm क्लियरेंस ले रहा था उसमें जैसे कि, ठीक है, तो टोटल मुझे कितना ट्रेवल करवाना पड़ेगा इसको, 5 mm, ठीक है ना, 5 mm ट्रेवल करवाना पड़ेगा ना। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना ये 5 mm से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब ये मूवमेंट करेगा तो ये तो इस तरह से मूवमेंट करेगा, अगर मैं 2D में बात करूं तो इस तरह से मूवमेंट करेगा, और ये कैसे मूवमेंट करेगा, ये ऐसे मूवमेंट करेगा, राइट, ठीक है। तो ये जब ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये तो सीधी डायरेक्शन में इसी